अरे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स का SA1 का एग्ज़ाम आपका 4/10/2024 को होने वाला है। इकोनॉमिक्स में दो पेपर पढ़ना है, ग्रुप ए व्यष्टि अर्थशास्त्र और ग्रुप बी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर JCERT द्वारा निकाले गए प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे जो JCERT द्वारा जारी किया गया है। इसमें जितना सिलेबस में JCERT ने दिया था उतना सारा चैप्टर का मैंने इसमें दे दिया है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। क्वेश्चन है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र है वस्तुओं की पूर्ति का नियम, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। बाजार में गेहूं की कीमत, व्यष्टि अर्थशास्त्र। कार की मांग की लोच, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जबकि अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो निर्धारण है वो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो पहला का ए हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट JM Keynes। कौन है? JM Keynes। 1936 में इन्होंने यह किताब को लिखा था। समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो समान कीमत स्तर का अध्ययन व्यष्टि और समष्टि दोनों में किया जाता है, इसलिए सी हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई? अभी जस्ट बताए हैं, 1936 में। उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश क्या कहलाते हैं? तो उद्यमी को जो मिलता है वो लाभ मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, और उद्यमी या फिर नियोजक या नियोजनकर्ता को हम लोग कहेंगे लाभ मिलता है। फर्म क्या है? तो फर्म क्या है? एक उत्पादक होता है। फर्म उत्पादक होता है, उत्पादन कार्य करता है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। रैग्नर फ्रिस ने। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं, एडम स्मिथ। इन्होंने किताब लिखा था 1776 ईस्वी में, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। बाह्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बाह्य क्षेत्र मतलब दूसरी दुनिया से या दूसरे स्थान से व्यापार व्यवसाय करना, तो ये होता है आयात निर्यात। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, या फिर कहीं कहीं व्यापक भी लिखा रह सकता है, तो व्यापक भी हो सकता है, बड़ा या व्यापक बोलिए। चैप्टर 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है? तो दर्जी की दुकान में उपभोग के लिए सिलाई मशीन, ये पूंजीगत है क्योंकि इसको खरीद के पैसा लगा के खरीद के लाते हैं हम लोग। किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है, यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो उपभोक्ता वस्तु का। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये हैं, यह रकम किस संकलना का उदाहरण है? तो 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये रकम है आपका खाते में, तो ये एक स्टॉक हुआ। आपके वृत्ताकार, यहाँ आप है, यहाँ होना चाहिए आय। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो हम लोग वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रास्फीति होगी, मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा। किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है? तो घिसावट व्यय। राष्ट्रीय आय क्या है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान मतलब होता है जो बिना काम किए हुए पैसा जो मिलता है, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आपात अधिक है, तो निर्यात की तुलना में यहाँ होना चाहिए आयात। निर्यात की तुलना में आयात अधिक है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम होगा। अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान,
सहायकी को घटाने से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से क्या जानकारी नहीं मिल सकती है, तो लोगों का आर्थिक कल्याण की जानकारी नहीं मिल सकती है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है वास्तविक राष्ट्रीय आय। GNP डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है नेशनल नॉमिनल GNP बटा रियल GNP गुने 100। भारत में अमरीकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पादन में शामिल किया जाता है, तो अमरीका। चैप्टर 3 है मुद्रा और बैंकिंग। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, तो विनिमय का सर्वोत्तम साधन आपका मुद्रा है। मुद्रा ने दूर किया तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को। निम्नलिखित में से मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में से मुद्रा का गौण कार्य कौन है, तो विलंबित भुगतान का मान। निम्नलिखित में से मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होता है, तो वो होता है सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका हो जाएगा हार्ले विदर्स। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो आहरण पत्र से, चेक से और ATM तीनों से निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था, तो पॉल एंजिंग ने। व्यष्टि और समष्टि का विभाजन रैग्नर फ्रिस ने किया था, लेकिन स्थैतिक और गत्यात्मक का विभाजन जो है वो पॉल एंजिंग ने किया था, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जनता का बैंक कौन है, तो व्यावसायिक बैंक जो है वो जनता का बैंक है, जबकि केंद्रीय बैंक जो होता है वो सरकार का बैंक होता है। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन निम्नलिखित में कौन से हैं, तो जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण करना, ये तीनों व्यापारिक बैंक के काम है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात घटता है। ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो व्यापारिक बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो केंद्रीय बैंक होता है, और हर देश का एक ही केंद्रीय बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं, तो नोट निर्गमन का अधिकार, मतलब नोट छाप सकता है, सरकार का बैंक है, विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक होता है, इसलिए डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो चलन मुद्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, तो बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए और CRR के जरिए, इनमें तीनों से करती है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो इनमें से सभी। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो ट्रस्टी का कार्य करना। चैप्टर 4 है आय और रोजगार का सिद्धांत। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो JB से ने। JB से का बाजार नियम किस पर लागू होता है, तो वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय दोनों पर होता है, इसलिए सी हो जाएगा उपरोक्त, ए और बी दोनों। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है, मतलब इसमें I = S होता है, I = S फॉर्मूला लागू होता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अति अथवा निम्न उत्पादन असंभव है, तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यताएं हैं, जो सही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार ये सही है, तो यहाँ सी हो जाएगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन किसका है, तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, JB से का। ट्रेंडेड इकोनॉमिक्स पोल्टक्यू नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका है JB से। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो JM केन्स ने। कब लिखा था, 1936 में।
केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर। इसका फॉर्मूला होता है ईडी बराबर सी प्लस आई, मतलब ईडी हो गया प्रभावपूर्ण मांग, सी उपभोग संबंधी मांग, और इसको कहते हैं विनियोग संबंधी मांग। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से तत्व हैं? तो उपरोक्त सभी। किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना है? तो कुल पूर्ति फलन को। एक निश्चित समावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो समग्र पूर्ति। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसलिए सी हो जाएगा। आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, ये शुरू में ही बताए थे, आय बराबर एस होता है। आय और उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में से किस में वृद्धि होती है? तो आय, रोजगार और उत्पादन तीनों में होती है, इसलिए हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो किन्स ने। उपभोग निर्भर करता है तो उपभोग आय पर निर्भर करता है, इसका फॉर्मूला है सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। निवेश के निर्धारक तत्व तो कौन है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों है, इसलिए आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है? तो वास्तविक विनियोग से। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? निवेश बोलिए या विनियोग बोलिए, एक ही चीज़ है, भवनों का निर्माण। विनियोग गुणक का विचार दिया था किन्स ने। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है तो सीधा। कौन सा कथन सत्य है? तो ये फॉर्मूला जो है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर वन होता है, एपीसी प्लस एपीएस बराबर इसमें भी वन होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर वाट तो वन होता है। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो के बराबर होता है गुणक, डेल्टा वाई आई में परिवर्तन, डेल्टा आई जो है विनियोग में परिवर्तन, तो ये गुणक का फॉर्मूला है। और गुणक का एक और फॉर्मूला है के बराबर वन बट्टा वन माइनस एम पी सी, या फिर एक और फॉर्मूला है के बराबर वन बट्टा एम पी एस, ये तीनों जो है वो गुणक का फॉर्मूला है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? तो ये हो जाएगा 0.8। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक क्या होगा? तो ये अनंत हो जाएगा। किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन। अतिरेक मांग उत्पन्न होने से कौन से कारण है? तो शारीरिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति वृद्धि या करों में कभी, ये सभी है तो उपयुक्त सभी। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है, उपर्युक्त सभी। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है कुल मांग में कमी। बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है तो ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों से है, इसलिए उपयुक्त सभी। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है तो समग्र मांग को बढ़ाकर। मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के खाली स्थान ब्यौरा होता है तो आय और व्यय का ब्यौरा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो अनुच्छेद 112। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब मानी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती उसे क्या कहा जाता है? तो राजस्व प्राप्ति। जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इस कर को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो उपहार कर एवं आयकर दोनों को। जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहेंगे? प्रगतिशील कर। आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा कर कहते हैं? अनुपातिक कर। आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे? प्रतिगामी कर। पूर्व विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है, मतलब अधिक होती है।
एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है ना ही देयता में कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्व का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति। सरकार के वे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। निम्नलिखित में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कौन करता है? तो ये फॉर्मूला है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है तो राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान के द्वारा। संतुलित बजट किसे कहा जाता है? तो जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर हो। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है? तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। यदि उपभोग की सीमांक प्रवृत्ति 0.5 है तो कर गुणक का मान क्या होगा? तो माइनस एक होगा। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है तो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी? तो 100 करोड़ की ही होगी। चैप्टर 6 है खुली अर्थव्यवस्था। भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है पूंजीगत खाता। विदेशों से पूंजी निवेश से आय लेनदारी होती है। व्यापार शेष बराबर फॉर्मूला है दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात। भुगतान शेष के घटक हैं तो चालू खातों पर भुगतान संतुलन और पूंजी खातों पर भुगतान संतुलन, ये दोनों है इसलिए सी हो जाएगा। भुगतान संतुलन शेष का चालू खाता वास्तविक लेन देन को दर्शाता है तो अल्पकालीन लेन देन को दर्शाता है। खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो मांग और पूर्ति। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो मौद्रिक अधिकारी। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? तो इनमें से किसी से भी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स ग्रुप बी के प्रश्न जो JCERT द्वारा जारी किया गया है। आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तत्ल आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।